There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी खरगोश का गोश्त किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, बहुत ही लेकिन बनेगा बहुत मज़ेदार। चीज़ों को सिंपल रखने से ना उसमें फ्लेवर, उसमें उसका टेस्ट, रियल टेस्ट रहता है। तो इसमें हमने अदरक, लहसुन, सूखा धनिया, ज़ीरा, लौंग और बड़ी इलायची को कूट लिया था, और स्पाइसेस में हमने काली मिर्च, हल्दी और नमक को शामिल करना है। और इस स्टेज पर हमने प्याज को फ्राई कर लिया था और इसमें टमाटर डाल दिए थे, और इसमें ये सारे स्पाइसेस हमने शामिल कर दिए थे, और इस स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इसके गुर्दे खरगोश के, ये बहुत क्यूट थे, तो चाहे इसको भी दिखाते हैं। और ये रेसिपी मेरी मामा की है, जो कि काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है। और नॉर्मली लोग बहुत कम खरगोश का गोश्त बनाते हैं, ज़्यादातर चिकन बना रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ये खाया जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग पहली दफ़ा ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी खरगोश का गोश्त आपको कैसे लगा। फिर हमने उस मसाले को भूनने के बाद हमने चिकन शामिल कर दिया था, और इसको ढाँप देना है, और अब बस इसमें प्लेट दही जाएगी, और उसके बाद इसको भूनना है, और बस हमने दही के पानी में ही ये गल जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो इट्स टेक जस्ट अ फ्यू मिनट। बस यहाँ पर हमारा खरगोश का गोश्त तैयार है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। लास्ट में आपने इसके ऊपर लेमन स्क्वीज कर लेना है ताकि फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए, और कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए।